पालिका कोटपुतली में सियासी खींचातान के कारण इलाके के विकास कार्य लटके हुए हैं। आलम यह है कि सियासत हो रही है और जनता पिस रही है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पिछले छह महीने से कोटपुतली नगर पालिका कार्यालय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। सड़क पर गंदगी, अंधेरा, अतिक्रमण ने कोटपुतली को कूड़ेदान बना दिया है। पिछले कई महीनों से कोटपुतली क्षेत्र में न तो सफाई कर्मी आते हैं क्षेत्र में, न कोई काम करने वाले व्यक्ति आते हैं, और ये आपसी लड़ाई केवल कुर्सी की लड़ाई करे बैठे हुए हैं, काम नहीं करते। नगर पालिका में सिर्फ अब कुछ चर्चा देखोगे आप तो चेयरमैन की शीट की चर्चा हो रही है कि वो स्टे ले आया, वो स्टे लेके नहीं आया, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधाएं भी कुछ भी सबका अभाव हो रहा है। दुख तो इस बात का है कि जो जनप्रतिनिधि कोटपुतली के कर्णधार होने चाहिए उनमें ही आपस में रार दिख रही है। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, वो अचानक से कई लोगों के साथ जबरदस्ती ऑफिस में घुसे। उसमें महेंद्र सैनी था, शंकर लाल थे और बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो आए और मुझे कुर्सी से नीचे गिरा दिया। उसके बाद हमारी काफी नोकझोंक। मैं खुद एक कानून का जानकार हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि जब तक मेरे को चार्ज नहीं दिया जाता, जब तक मैं ना ही कोई पत्रावलिया मंगवा सकता हूँ, ना ही कोई कार्य ऐसा कर सकता हूँ जिसे नगर पालिका नियम की अवहेलना हो। तो जब जनप्रतिनिधि ऐसे हो तो अफसरों से उम्मीद करना ही बेमानी है। उनके आपस में कहासुनी भी हुई है उन लोगों से, अपने पूर्व चेयरमैन महेंद्र जी और वर्तमान चेयर दीपा सैनी जी के मध्य में, और उन्होंने आपस में इस चीज के लिए रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। कोटपुतली नगर पालिका का मैटर अब कोटपुतली थाने पहुंच चुका है। कल जिनके फेवर में ये डिसीजन आया वो पक्ष नगर पालिका पहुंचा बताया, और वहाँ उसके बाद में कुछ घटनाक्रम हुआ है जिसके संदर्भ में दो FIRें हुई है। वैसे तो कोटपुतली के विकास की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, लेकिन कोई ये लेना नहीं चाहता। ऐसे में अब कोटपुतली के लोग राम भरोसे ही हैं। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली।